ESPN 9 News, मैं हूं आपके साथ मेघा। इस खास पेशकश के जरिए एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं, जहां आपसे बात होगी भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी पर। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के फायर नेता माने जाते हैं, बोलते हैं खरी खरी। और यहां पर वरुण को अगर कभी मौका मिले या कभी ऐसी उनके आसपास परिस्थिति बन जाए जहां उन्हें सवाल अपनी ही पार्टी पर उठाने पड़े, तो इसमें भी वरुण गांधी पीछे नहीं रहते। वरुण गांधी 2014 में लड़े सुल्तानपुर से, जीते। पार्टी की ओर से उन्हें कोई तोहफा नहीं दिया गया। वरुण गांधी 2019 का लोकसभा चुनाव जीते, यहां पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतरे थे। वरुण गांधी की झोली इस बार भी खाली है। पार्टी से पूरी तरह खफा वरुण गांधी दिखाई पड़ रहे हैं और इसी नाराजगी के बीच वरुण के इस्तीफे को लेकर भी खबरें जोर पकड़ रही हैं। कहा जा रहा है कि जो 2014 में होने वाला था तब थम गया, लेकिन इस बार होकर रहेगा। इस बार वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर रहेंगे। हमारे प्रोग्राम में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ वरुण के इतिहास पर आपसे बात करने वाले हैं। प्रमोद महाजन, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नाम प्रमोद महाजन, ये वो एक नाम है जिसने एक गांधी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। अगर वरुण गांधी के बीजेपी से जुड़ने की हिस्ट्री से आप रूबरू नहीं हैं, तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कैसे एक गांधी दूसरे गांधी के खिलाफ बीजेपी के साथ जुड़ा। प्रमोद महाजन वो नाम है जिसने वरुण गांधी को सच का आईना दिखाकर कहा था कि जो अगर कांग्रेस के साथ जुड़े रहे तो हमेशा नंबर टू पर रहोगे, अगर नंबर वन पर आना है तो बीजेपी के साथ रहो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर हमेशा राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे और तुम हमेशा पीछे रहोगे। प्रमोद महाजन वो एक नाम है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से कहा था कि अगर बीजेपी को कांग्रेस के सामने भारी बनाना है, अगर बीजेपी का वर्चस्व जनता के बीच मजबूत करना है, तो जरूरी है गांधी वर्सेस गांधी की लड़ाई करवाएं। जब जो दोनों तरफ से बात बनी, वरुण गांधी भी राजनीति के अखाड़े में अपने पांव मजबूत करने की इच्छा अपने मन में पैदा कर बैठे। उनको भी इस बात का एहसास हुआ कि कांग्रेस की सरपरस्ती में उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। और यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी इस बात का एहसास हुआ कि कांग्रेस को टक्कर देने के लिए एक गांधी का पार्टी में होना जरूरी है। बात यहां पर बनी और वरुण गांधी अपनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद वरुण गांधी को पार्टी से उम्मीदें थी। वरुण गांधी को लगा था कि जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं लेकर वो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी से जुड़े हैं, वो इच्छाएं उनकी पूरी होंगी। लेकिन समय बीतता चला गया और राजनीति के अखाड़े में कांग्रेस पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर वरुण गांधी को वो पद, वो इच्छा, वो सम्मान यहां पर नहीं मिला जिसकी उम्मीद वो लगाकर बैठे थे। इन सबके बीच में वरुण गांधी ने प्रमोद महाजन के निधन के बाद अपने मन की ये जो बातें थी, जो बोझ था उनके मन में कि बीजेपी उनका सरोकार नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी उनका विकास नहीं कर रही, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, वरुण गांधी ने साफ तौर पर यहां पर अपनी शिकायतें पार्टी के समक्ष रखी। पार्टी ने कहा इन सब पर बात करेंगे। वरुण गांधी जो आज की तारीख में अपने इस्तीफे को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, वो वरुण गांधी जब भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई थी और मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा यहां पर कौन बनेगा इसे लेकर पार्टी में कई तरह की बातें हो रही थी, तब वरुण गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री या तो राजनाथ सिंह को बनाए या यहां पर प्रधानमंत्री बनाए लाल कृष्ण आडवाणी को। वरुण गांधी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल खिलाफ थे, उनकी खिलाफत का हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ा उस वक्त जब 2014 में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी ने ग्रहण की। कहा जाता है कि आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी की मुलाकात काम से हटकर नहीं हुई, कोई सामान्य संबंध इनके बीच नहीं है। और इस तरह की खबरों को आग बाद में भी मिली जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। उस वक्त वरुण गांधी ने कई तरह के ऐसे बयान दिए जो पार्टी को उनके खिलाफ कर बैठे। आज की तारीख में इस्तीफे पर अड़े वरुण गांधी एक वक्त पर अपनी ही पार्टी पर बरसे थे। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर शोर मचा हुआ था। क्या हुआ था, ऐसा क्या कह दिया था वरुण गांधी ने जो अपनी पार्टी के खिलाफ वो हो गए और बाद में
पार्टी को उन पर कोई ठोस कदम उठाना पड़ा। ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। एक बार नहीं बल्कि कई बार वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बगावत करते हुए देखे गए हैं। वरुण गांधी से सबसे बड़ी गलती उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले हुई। यहां मिली जानकारी की माने तो इलाहाबाद में उन्होंने पोस्टर लगवा दिए थे। इलाहाबाद बैठक के लिए पूरे शहर में पोस्टर लगवाए थे और इन पोस्टरों में मांग की गई थी वरुण की ओर से कि उन्हें सीएम बनाने की मांग करें। बता दें आपको, वरुण गांधी बीते कुछ दिनों से शांत चल रहे हैं, लेकिन शांति से हटकर इस्तीफे को लेकर उनकी लगातार खबरें आ रही हैं और इन इस्तीफों से हटकर वरुण गांधी अपनी ही पार्टी पर कई बार बरसे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे के दौरान वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और सरकार से बिल्कुल अलग लाइन पकड़ ली थी। 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार वरुण गांधी को यूपीए के सीएम बनाने की मांग उठी। वरुण गांधी ने खुद भले ही ना कहा हो, लेकिन अपने समर्थकों से जरूर ये कहलवाया कि उन्हें सीएम उम्मीदवार यहां पर घोषित करें, जिसका हर्जाना वरुण गांधी को भुगतना पड़ा जब उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारक के तौर पर भी उन्हें शामिल नहीं किया गया। बता दें आपको, वरुण गांधी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद कई तरह की गलती हुई है। बीते साल की अगर बात करें तो वरुण गांधी ने कहा था कि प्रभावशाली पिता या गॉडफादर के बिना राजनीति में जगह बनाना मुश्किल है। मैं आपके पास आया हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन सच यही है कि अगर मेरे नाम में गांधी नहीं होता तो मैं दो बार सांसद नहीं बनता और आप मुझे सुनने के लिए यहां नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी पर अप्रत्यक्ष रूप से वरुण गांधी ने ये इल्जाम लगाया था कि क्योंकि वो गांधी हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें सांसद के तौर पर टिकट देती है, अगर वो गांधी नहीं होते तो शायद राजनीति के अखाड़े में इतने आगे नहीं होते।